चलिए सो भाई एक बात है और एक क्लास क्लास भाई प्लीज देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है। आप लोगों को मैंने अभी तक डी ब्लॉक के अंदर ना काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और जितने क्वेश्चन अब तक कराए हैं वो आपको अब तक ट्विस्ट पे आने चाहिए। जिसमें से जो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वो वही है कि वाई स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। क्या बोलोगे? स्कैंडियम हैज अ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड द जिंक हैज अ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, सो एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलोगे? वाई द मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द एवरी सीरीज, बताओ क्यों? सिंस इन द मिडल ऑफ द एवरी सीरीज द अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, so the interatomic interaction is also maximum and hence there is it is a high melting point. Fine or not? Fine. Enthalpy of atomization कहाँ पर maximum होगी? Enthalpy ये क्या हो गया इसमें? So भाई बात बड़ी सिंपल सी है। जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए गए हैं, वाई स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन, बच्चा शोर मत करो प्लीज। थ्योरेटिकल चैप्टर है, वैसे बोरिंग हो जाता है अगर मतलब आप दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो तो। टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाना। आप लोग इसे दिलचस्पी बनाए रखिए चैप्टर के अंदर। मुझे पता है उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता ये चैप्टर जितना बाकी है, ठीक है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना सिलेबस में। मैं तो इस चैप्टर को 10वें नंबर पे कराता हूँ हमेशा, लेकिन आप लोगों को फर्स्ट टर्म के एग्जाम के चक्कर में करा रहा हूँ इस बार, तो मैं कभी नहीं कराता। मैं इसको बिल्कुल लास्ट में लेता हूँ, लेकिन तुम लोगों को ये था कि सर एग्जाम है एग्जाम है, कर लेते हैं। लास्ट क्लास 20 सितंबर को ही थी, बहुत दिन कहाँ हुए, आज क्या है तो बहुत दिन हो गए। क्यों फोन दो? अबे फर्स्ट टर्म के पेपर है। वैसे तुमने बड़ा तुमने बिल्कुल 1 अप्रैल से इतने सीरियस थे तुम कि भैया हमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, तुमने खूब लापरवाहियां करी हैं, है ना। लेकिन इस बार तुम लोगों ने अगर फिजिक्स का टेस्ट ईमानदारी से दिया है तो एवरेजली अच्छा रिजल्ट आया, तुम लोगों ने अच्छा पढ़ा हुआ था अगर सबने ईमानदारी से दिया है तो। और इस बार तो रिजल्ट में कुछ नाम नहीं दिखे हैं बड़े, है ना, हर्ष, गीतांजलि, तो ये बच्चों के नाम, सचिन पाठक। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं लिस्ट बना रहा था तो मुझे लिस्ट कोई और बोलता है और मैं यहाँ पर लिख रहा होता हूँ, और चेक एक्चुअली मैं नहीं करता हूँ, किसी टीचर से दूसरे से करवाता हूँ। सो उन्होंने बोला कि भाई इस बार बड़ा बच्चों ने अच्छा करा हुआ है, बड़ा टाइम लगा चेक करने में। तो जब मैं लिस्ट बना रहा था तो पहला नाम किसका था? आशीष का। तो एज यूजुअल है, होता है। सेकंड मेरे वाइफ ने बोला सचिन पाठक, तो मैंने कहा सच में? तो कह रहे हाँ सचिन पाठक। मैंने देख लिया, बस यहीं से किसी और बस सीक्वेंस बिगड़ा हुआ कहीं, यानी सचिन पाठक ही है। तो मैं बड़ा हैरान था कि भाई ये तो रेगुलरली गंदा रिजल्ट लेके आ रहा है, आज कहाँ से अच्छा लिया है। फिर थर्ड हर्ष, फिर गीतांजलि। मैंने कहा भाई सब बच्चे इस बार अच्छा पढ़ के आए हैं, इस बार इसका मतलब अच्छा है। अगर आप लोग ऐसे रिजल्ट रेगुलरली बनाए रखें तो बढ़िया है, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। अब कुछ और बच्चे प्रेरित हों इस चीज़ से और आप लोग भी अपना रिजल्ट उठाएं थोड़ा सा। अभी जैसे ही आप लोगों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो जाएंगे हम टेस्ट की रिदम बढ़ा देंगे, ध्यान रखना। अभी टेस्ट रोक रखे हैं आपके एग्जाम्स के चक्कर में, बस जैसे ही फर्स्ट टर्म खत्म हुआ ध्यान रखना टेस्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस ऑलरेडी बहुत सही चल रहा है, ठीक है क्लास। ओए चलिए चलिए, ए वाई स्कैंडियम इज, जल्दी जल्दी बोलते चलना, आंसर आते कि नहीं आते? वाई स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन, आता है भाई? वाई द मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द एवरी सीरीज, अनुराग मैक्सिमम क्यों होता है मिडल में सर पता है?
Why the enthalpy of atomization is maximum for the middle element? Sir, पता है? अरे agree or not? तीन क्वेश्चन तो ये हुए थे भाई. इसके बाद शुरू हुआ था लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन. देखो जितनी मेरी आवाज उतनी आप लोग कर रहे हो यार, ऐसे मत करो. सिर्फ मेरी आवाज है इस रूम में भाई. जैस्मिन, लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, उसमें चार्जिंग नहीं है. तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन में क्या बताया मैंने आप लोगों को? भैया देखो, 3D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ठीक है, 4D वालों का उससे बड़ा है, 5D वालों का साइज उससे बड़ा होना चाहिए था, बट उसी के बराबर मिला. ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर 5D से पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल हो गया? 4F. और 4F की शील्डिंग बड़ी पुअर होती है, ये बाहर वालों को रिपेल, जिसके कारण बाहर वाले ऑर्बिटल न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में आ गए और उन्होंने अपना साइज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. थे तो बड़े साइज में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इनका साइज बिल्कुल 4D जैसा दिखने लगा. नहीं आई बात समझ में? ये कॉन्ट्रैक्शन 4F की वजह से होती है अनुराग, ये कॉन्ट्रैक्शन 4F की वजह से होती है. इससे इसको बोलो क्या बुलाते हैं? लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन ये कॉन्ट्रेक्शन 6D सीरीज में भी देखने को मिलती है, बिकॉज 6D सीरीज से पहले 5F भरते हैं और 5F की तो शील्डिंग और भी ज्यादा पुअर होती है, वो तो बाहर वालों को बिल्कुल भी रिपेल नहीं करता, तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन और ज्यादा होगी. तो इस वाली कॉन्ट्रेक्शन को बोला गया एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन. क्या बोला? बोलो. समझ नहीं आया सर, आगे याद? तो व्हाट इज, अगर बोला जाए कि लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, तो बोलो क्या बोलोगे? सर द फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल, द फिलिंग ऑफ द 4F ऑर्बिटल, रुक जाओ भाई पिटोगे कुछ बच्चे. The filling of the 4F orbital before the 5D orbital results in the poor shielding of the outer orbitals and due to which the size of the 5D series elements get decrease, get contract. This contraction is called lengthened contraction. How can you define the actinoid contraction? कैसे बोलोगे? बोलो. The filling of the 5F orbital before the 6D orbital result in the poor shielding of the 6D orbitals, the outer orbitals, and hence the size of the 6D series elements gets contracted. And this is called the actinoid contraction. Which contraction is more, actinoid or lengthened? Actinoid contraction. क्योंकि 5F की shielding और poor होती है, बिल्कुल ही नहीं करता repel, तो और ज़्यादा contract कर जाते हैं. Clear हुआ या नहीं हुआ जल्दी मुझे बताओ भाई. So मान के चलो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया. And एक question का जवाब दो भाई. Zirconium और hafnium का size same क्यों है? बल्कि zirconium 4D से है और hafnium 5D से है. Sir फिर वही बात है, lengthened contraction है सर. क्लियर होता है कि नहीं होता? चलिए आज हम आगे अपने कुछ टॉपिक्स ऐड करते हैं. मुझे एक बार दिखा दो बुकलेट. लवेश एक काम कर दे यार, मैम बैठी होंगी रिसेप्शन पे, उनको बोल दे कि 5 मिनट बाद ही दे जाना चार्ज, सिर्फ 5 मिनट बाद. चलिए क्लास, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का. चले ठीक है, एक बार मुझे एनसीईआरटी दिखा दो वो बच्चा. एनसीईआरटी नहीं लाई? किसी के पास भी एनसीईआरटी नहीं भाई? लिखो भाई सभी बच्चे, बुकलेट है तो बुकलेट में, कॉपी है तो कॉपी निकालो भाई. अपने कॉपी में लिखना है इस चीज को जो बोलूंगा. खाली नहीं बैठोगे, पहले बोल रहा हूं. बताऊं कैसे? कुछ भी नहीं है.
बनाओ भाई, बिल्कुल बनाएं। और ये जो डब्बे वाले हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं सभी की, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सब बच्चे एक बार इसको, नहीं है बनाओ, हो तो भी बनाना है, बनाओ, कुछ रीज़न है ना, तभी तो बोल रहा हूँ, बनाओ, कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए भाई, हो गया था नीचा, खुशी छुट्टी पे क्यों आज? फर्स्ट टर्म बढ़िया मेहनत करके देके आओ भाई, अच्छे नंबर लेके आओ केमिस्ट्री में फर्स्ट टर्म के अंदर ही, ठीक है? ऐसे फर्स्ट टर्म मत सोचा करो, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर फर्स्ट टर्म में सोचो तुम्हारे 70 में से मिनिमम मान लो 50 प्लस आए थे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा प्री बोर्ड के लिए कि भैया प्री बोर्ड और फाइनेंस में अभी अभी 50 प्लस आ गए, तो बाद में तो और अच्छे आएंगे, मेहनत तो और ज्यादा बढ़ेगी। अभी लाओगे तुम भाई घिसट पिसट के 25 नंबर 23 नंबर अंगे से पास हो रहे हो, फिर क्या फायदा है? नहीं हुआ तो कम बैक, ये धोनी बनेगा, पहले मैच बसाएगा, फिर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो हार गए। हाँ ऐसी था, करें शुरू, यशिका बहुत दिनों बाद आए हो तुम, मेरे को लगा बहुत, तुम छुट्टी में थे, समझाया भी नहीं है भाई भी। चलिए भाई देखिए, तो मुझे ये बताओ जरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या लिखा है कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट किन स्टेट्स को शो करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। जैसे कि मैं बताने की कोशिश करता हूं, आप मुझे बताओ स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? सभी बच्चे बताओ भाई, इन्हीं दो को पता है क्या? सर स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन होता है ऑर्गन 4s2, लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 4s से जाएंगे। आप लोगों ने पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा, याद करो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ रहे थे, वीबीटी कर रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो याद है इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकालते थे? 4s से। उसके बाद किससे निकालते थे? 3d से। नहीं आ रहा याद? अरे कुछ ऐसा करा है कि नहीं करा मुझे बताओ। तो तुम मुझे ये बताओ जरा, अगर स्कैंडियम की बात करी जाए, मत करो खुशबूस खुशबूस, बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई इससे, इधर देखो दो दो बच्चे जो लगे रहते हो मत करो ऐसे। स्कैंडियम के पास है टोटल 21 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्गन 4s2 3d1। आप मुझे बताइए कोई भी आइटम स्टेबल कब होता है? या तो उसका ऑक्टेट फुलफिल्ड हो जाए, या हाफ फिल्ड हो जाए, या फिर बोले कि बिल्कुल खाली हो एक तरीके से, जैसे कि मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो मुझे तुम ये बताओ स्कैंडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके बिल्कुल स्टेबलाइज हो सकता है? 3 को। लखन स्कैंडियम 3 को लॉस कर दे तो किसका कॉन्फिगरेशन अटेन करेगा? ऑर्गन का कॉन्फिगरेशन अटेन करेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो अगर ये तीनों लॉस कर दे तो हाईली स्टेबल हो जाएगा, इसलिए कहते हैं स्कैंडियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +3 होती है। ये जो मैंने डब्बों में बनाई है ना, ये डब्बों में जो स्टेट है इनको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डब्बों वाली जो स्टेट है कौन सी है बोलो? मोस्ट स्टेबल वाली। बाकी सब स्टेबल नहीं है लेकिन दिखाता है एलिमेंट। तो स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, बोलो कौन सी? +3। और इसी में बोलो ये क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है। एक क्वेश्चन निकलेगा ऑक्सीजन स्टेट से, मैं आपको बताता हूं, यहां पर 2-3 क्वेश्चन हैं लेकिन एक कंफर्म्ड आने वाला है। दूसरी बात समझो, टाइटेनियम को समझो एक बार। टाइटेनियम भाई साहब के पास क्या सिचुएशन है? 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप मुझे बताओ 22 इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टेबलाइज हो सकते हैं? बोलो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट इसकी +4 है।
बाकी प्लस दो प्लस तीन भी कहते हैं दिखाता है ये, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है बोलो कितनी, टाइटेनियम की बोलो प्लस फोर है, कौन सी है बोलो प्लस फोर। अब बताओ वैनेडियम की ऐसे कितनी होगी बोलो 23, 23 का मतलब बोलो क्या, ऑर्गन 4s2 3d3, तो ये 5 में जाके स्टेबलाइज होगा। आप कहेंगे सर 2 में कैसे होगा, 3 में कैसे होगा, 4 में कैसे होगा, तो वो दिखाता है कुछ कुछ रेयर एलिमेंट्स के साथ। मैंने बोला है आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये बहुत चीजों को फॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप बात करें कि प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो लॉजिकली सेंस समझ में आता है कि इनमें ये हाईली स्टेबल क्यों। बाकियों में दिखाते हैं एक्सेप्शंस हैं बहुत सारी, लेकिन वो जनरल नहीं है बच्चों, मतलब हम बोल सकते हैं जनरली कौन सी दिखाएगा बोलो प्लस 5 वाली, क्लियर होता है कि नहीं होता, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सी है बोलो प्लस 5 वाली। अब बात करते हैं क्रोमियम की और देखते हो कितने बच्चे कुछ पुरानी बातों को याद रखते हैं। क्रोमियम के पास बच्चों 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 24 का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d4, लेकिन आपको पता है वो आप फिल्ड करने के लिए, चलिए मेरा सवाल ये नहीं है, लेकिन सवाल कुछ और है। सवाल ये है बच्चों कि क्रोमियम की अगर मैं स्टेबिलिटी जानना चाहूं तो प्लस 6 में स्टेबिलिटी समझ में आती है, क्यों आती है प्लस 6 में, क्योंकि 6 के 6 निकल जाएंगे ऑर्गन बन जाएगा, तो प्लस 6 में हाईली स्टेबल है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्लस 3 में स्टेबल कैसे है, कौन बच्चा बताएगा? 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे करना, एक बार 3 इलेक्ट्रॉन छुड़वाओ, एक गया एस से, दो गए डी से, 3d3 बचा, कैसे स्टेबल होगा प्लस 3 में हाईली स्टेबल कैसे? एक्सेप्शन। फिर मैं पूछता नहीं ना अगर एक्सेप्शन होती तो, एक्सेप्शन वाले तो बाकी है ना प्लस 2 प्लस 4, ये डब्बों वाले तो इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चा है क्लास में जो बता सकता है? मैंने पढ़ा रखा आपको क्लास में, ये मैं बता देता हूँ, सोचो कि 3d3 स्टेबल क्यों है। हाँ विकास क्या बोल रहे हैं? टीटू जी आप बिल्डर, जोरदार ताली बजा दो लड़के के लिए, बिल्कुल। किसने? अर्जित ने, अर्जित के लिए बजा दो भाई, बोला है तो। मुझे अर्जित की सुनी नहीं थी, टीटू जी आप फील्ड बोला, थोड़ा तेज बोला कर, लेकिन बढ़िया बोला है। आधे बच्चों को तो इसी से समझ में आएगा टीटू जी आप फील्ड का मतलब क्या है। सुनो भाई, याद करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बात पढ़ी थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बात पढ़ी थी कि जब भी ये एलिमेंट्स किसी से जुड़ते हैं, तो जब लिगेंड्स या कोई भी चीज इनसे बॉन्ड बनाती है, तो इनका डी ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी का नहीं रहता, वो क्या हो जाता है बोलो? स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है बोलो? अरे याद करो, वो जो डी ऑर्बिटल था 5 ऑर्बिटल वाला, वो कुछ ऐसे स्प्लिट हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे तुम लोगों को याद आता है कि नहीं आता? ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था? प्रॉपर कॉन्सेप्ट करवाया गया है ये T2G और ये AG। तो 3d3 क्यों स्टेबल है? क्योंकि सर 3d3 पर भी T2G क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। T2G क्या होता है? तो इसलिए किसी का 3d3 स्टेबल हो सकता है। क्रोमियम प्लस 6 स्टेबल है, लॉजिकली समझ में आता है। 3d3 पे कैसे स्टेबल है? लगन समझ में आई बात? क्योंकि सर जब भी ये क्रोमियम या कोई भी सेंट्रल एटम किसी लिगेंड्स के साथ जुड़ेगा, किसी मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगा, तो इसके डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के नहीं रहते सर, दो अलग हाई एनर्जी में चले जाते हैं, 3 ऐसे रह जाते हैं, तो 3 ऑर्बिटल T2G होते हैं और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो वो हाफ फील्ड होने पर स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये जो क्रोमियम प्लस 3 है ना T2G हाफ फील्ड की वजह से, इसकी वजह से बोलो T2G। तो मैं इसको ना हल्का सा साइड में लिख देता हूँ कि इसकी स्टेबिलिटी T2G हाफ फील्ड की वजह से है, कि एग्जामिनर कभी क्वेश्चन अगर निकाले यहाँ से तो आप लोग जवाब दे सके। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पक्की बात है। यहां तक कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बोल दो भाई जल्दी से, ठीक है? अभी रुक जाओ, नहीं अभी नहीं जाना पानी में। आइए 25 का सुनो, बोलो कितना, तो मेरी बात सुनते हो जो मैं तुम्हारी सुनो। 4s2 3d5, बता कितने पे स्टेबल होगा? 2 पे भी स्टेबल हो सकते हैं, अगर 2 लॉस कर दे तो 3d5 बनेगा, इसलिए प्लस 2 पे स्टेबल है, और अगर 7 लॉस कर दे तो भी स्टेबल होगा, तो मतलब प्लस 2 भी और प्लस। अब देखो जरा एक बात और सुन लीजिए, ए इधर, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? नहीं आ रहा। ये डब्बों वाली स्टेट कौन सी स्टेट्स हैं? ये वो स्टेट्स हैं जो कि हाईली स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है इन पर्टिकुलर एटम्स की। अच्छा, उसके बाद आयरन ने प्लस 2 प्लस 3 स्टेबल दिखाया, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कोबाल्ट प्लस 2 प्लस 3, निकल प्लस 2, कॉपर प्लस, कॉपर इज अ वेरी स्पेशल केस, प्लस 1 प्लस 2 के ऊपर बड़ा लफड़ा है भाई। यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कॉपर में क्यों लफड़ा है ना, आप थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताओ। कॉपर का तो कॉन्फ़िगरेशन है 29 पे होता है ऑर्गन 4s1 3d10। कुछ बच्चे कहते हैं, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर इसका, कुछ कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 3d10 बनना चाहिए हाईली स्टेबल, बट मैं कह रहा हूँ कि एक पे से ज्यादा स्टेबल हो प्लस 2 में होता है, मतलब 3d9 पे ज्यादा स्टेबल होता है 3d। तो ये क्यों है? इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करिए, हम करेंगे वाली चीज डिस्कस। बस आप मुझे बस ये बताओ, जो मैंने ही तुम्हें टेबल करवाया, बताऊंगा टेबल से क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है कि जो डब्बे वाली स्टेट्स हैं ये बोलो उनकी क्या है, हाईली स्टेबल स्टेट्स हैं।
और बाकी तो भैया जनरल बाकी तो याद ही नहीं करनी, बाकी कोई जरूरत नहीं याद करने की। अब पहला क्वेश्चन सुनिए क्या होता है, ऐसे लास्ट तक है। जिंक प्लस टू क्यों स्टेबल है, क्योंकि जिंक होता है 4:3:10, दो लॉस कर देगा 3:10 बन जाएगा, दो लॉस कर देगा 3:10 बन जाएगा, इसलिए स्टेबल है सर। ऐसी सबका है, कुछ होगा आपको रीजन भी नहीं समझ में आएगा कि क्यों स्टेबल है, बट वो स्टेबल होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल रीजंस की वजह से स्टेबल होती हैं, तो वो आपको बीच वाली ऐसी याद करनी पड़ेगी। आप सुनो, पहला सवाल इससे क्या निकलेगा, कौन सा ऐसा 3D सीरीज एलिमेंट है, अभी आपको टेबल से याद होएगा, कौन सा ऐसा 3D सीरीज एलिमेंट है जिसकी जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है वो सिर्फ एक ही है, सिंगल ऑक्सीजन स्टेट है और वो है +3 और वो है +3, ऐसा कौन सा 3D सीरीज एलिमेंट है जिसकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ एक ही मिलती है और वो है +3। तो आप बोलोगे स्कैंडियम, क्या बोलोगे बोलो, क्योंकि +3 मिलती है क्रोमियम की भी है, +3 आयरन की मिलती है, लेकिन इसकी सिर्फ अकेली +3 मिलती है, तो आंसर क्या होगा स्कैंडियम। कौन सा ऐसा 3D सीरीज एलिमेंट है जिसकी दो ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है, एक +2 और एक +7, आप लोग बोलेंगे बोलो कौन सी, मैग्नीज, वो बोल देगा बकायदा +2 और +7 एकदम याद आएगा, मैग्नीज नहीं आई बात समझ में। कौन सा ऐसा 3D सीरीज एलिमेंट है जिसकी सबसे हाइएस्ट ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है, मैग्नीज +7, सबसे बड़ी ऑक्सीजन स्टेट किसकी है बोलो +7 की, ओहो नहीं आ रहा समझ। तो जिस बच्चे को ये टेबल, अब तुम कहोगे से टेबल याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा भाई, टेबल के अंदर क्या याद करनी पड़ेगी, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। कुछ कहेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, यार मुश्किल कुछ नहीं है, आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। स्कैंडियम 21वें नंबर पे है, कुछ सोचिए ना उसको कितने चाहिए, 3 लॉस करने, क्या रटना है इसको, टाइटेनियम के बाद 22 है, 4 लॉस करने के, 18 बनना है, सबको 18 बनना है, ऑर्गन बनना है, तो 1 का 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, 3 4 5 6 7, बस क्रोमियम +3 पे स्टेबल होता है और मैग्नीज +2 पे, क्योंकि भैया आपको पता है हाफ फिल्ड हो जाएगा वहां पर, क्या मुश्किल है याद करना। जिंक लॉजिकली सोच के देख लो +2 पे क्यों स्टेबल है, बिकॉज 4:3:10 है अनुराग, 4:3:10 है, दो लॉस करते 3:10 बनेगा सर, स्टेबल है ना भाई। अरे नहीं यार ये बात समझ में, आयरन के बारे में तो तुम कितने समय से पढ़ते आ रहे हो, आयरन +2 आयरन +3 सुनते हो कि नहीं सुनते, तो ये +2 +3 में आयरन जाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है भाई अपनी, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। और इक्का दुक्का तुम्हें बीच में याद भी करना पड़ेगा, कॉपर का तो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है कि अभी मैं जब आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा +2 स्टेबल या +1 स्टेबल, वो तब याद हो जाएगा। याद कर लीजिए निकल का और किसका बोलो कोबाल्ट का, कोबाल्ट का तुम लोग ज्यादातर +3 वाला तुम याद करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा पूरे चैप्टर में कोबाल्ट +3 पढ़ा था, तो उसकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +3 होती है, होती है कि नहीं होती। तो भैया ये टेबल याद करना पड़ेगा, बिल्कुल श्योर आपको करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जवाब देना है इसका, देखते कितने बच्चे खुद से सोच पाएंगे। आपको इस प्रोडक्ट टेबल में एक चीज देखिए, प्रोडक्ट टेबल ऐसे गया और फिर ऐसे गया, फिर मिडल में कुछ मैक्सिमम हो रहा है। क्वेश्चन सुनो क्या क्वेश्चन, ये है कि जो भी एलिमेंट्स एक्सट्रीम एंड पे हैं, उधर हैं या इधर हैं, वो बड़ी कम ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहे हैं, इधर भी बड़ी कम दिखा रहे हैं, उधर भी बड़ी कम दिखा रहे हैं, तो बीच वाले भर भर के दिखा रहे हैं ना। एक्सट्रीम एंड वाले जो एलिमेंट्स हैं, मैं क्वेश्चन आएगा व्हाई द एलिमेंट्स एट द एक्सट्रीम एंड शोज वेरी लेसर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट्स, क्यों हमारे एलिमेंट्स जो एक्सट्रीम एंड पे हैं उनकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बड़ी कम है। खतरनाक आंसर याद कर लिया तुम लोगों ने, लेसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। एक बात सुनो, बिल्कुल सही है जवाब, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस बार। अच्छा देखो एक बात है, हाँ एक बात है ध्यान देने वाली, थैंक यू भाई, सुनो ओए, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ लेसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखने से आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई बच्चों। आप याद करो जो मेल्टिंग पॉइंट वाली बात थी, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, मैक्सिमम मिडल में क्यों है, तो बोलते थे सिंस दे हैव अ वेरी मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। जब तक ये नहीं लिखोगे कोई टीचर नहीं मानने वाला भाई, आधा नंबर दे देगा अनपेड इलेक्ट्रॉन का, आधा लेना है तो लिख देना, पूरा लेना है तो भैया समझ गया बात को। दूसरी बात, इसमें क्या लिखोगे, तो भैया कोई बताएगा मुझे कि एक्सट्रीम एंड वालों के पास, कार्तिक एक्सट्रीम एंड वालों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, तो इससे ऑक्सीजन स्टेट का क्या लेने देने। अच्छा एक बात है, किसी भी एटम के जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं जो 3D है, उसमें कौन से वाले ऑर्बिटल शेयरिंग वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, हर्ष जिनके पास क्या होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो फुल्ली फिल्ड हो गया वो इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरी बात सुनना, देखिए होता क्या है, शुरुआत वाले हो बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनिएगा, चाहे लास्ट वाले, इन एलिमेंट्स के पास ना बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो शेयरिंग में या लॉस करने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा क्यों सर? सर शुरू वालों के पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और लास्ट वालों के पास इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होते हैं बट वो ज्यादातर पेयर्ड हो चुके होते हैं। समझे नहीं? अरे समझो भाई,
मैंने बोला कि स्कैंडियम भाई साहब के पास सिचुएशन पता है प्रॉब्लम क्या कर रही है, 4s2 तो उठा दो, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो, 3d में एक है, टाइटेनियम के पास क्या है, टाइटेनियम के पास क्या है, अरे 3d में सिर्फ दो है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम क्यों ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि इनके पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है बड़े कम है, तो बहुत ही कम ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो शेयरिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अरे जो खाली वाला है वो किससे शेयरिंग करेगा, जिसके पास खाली उससे कोई शेयर करने थोड़ा आएगा, शेयरिंग किनसे होती है, जो क्या होते हैं हाफ फिल्ड होते हैं, उन्हीं से तो कोई पेयर्ड होने के लिए आएगा कि भाई तुम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, ऐसे शेयरिंग करेंगे दोनों काम बन जाएगा, यही तो करेंगे। तो शुरू वाले जो एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स, दे हैव अ वेरी फ्यू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, दैट इज वाई दे डोंट शो, मतलब ये ज्यादा तरीके से शेयरिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इनकी ऑक्सीजन स्टेट बड़ी कम होती है। लेकिन आप ये कहेंगे सर लास्ट वाले के पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, D8 D9, अरे यार D8 D9 के पास भी समस्या आ जाती है, बोलो क्या, तुम्हारा जो निकल है D8 वो क्या हो जाता है, 3D8 में ना 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके पास ना भले ही 5 ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन 3 फुलफिल्ड हैं, जो कि फिर दोबारा से पार्टिसिपेशन करना ना तो लॉस करने में ना शेयरिंग करने में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे भाई, बोलो मानते कि नहीं मानते, फिर दोबारा पार्टिसिपेशन में से कितने इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, बोलो 2 ऑर्बिटल, अरे समझो यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा सर समझ में, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है शुरू वालों के पास, लास्ट वालों के पास प्रॉब्लम क्या है, सर शुरू वालों के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन कम है, इस कारण से ज्यादा वो लूजर शेयर नहीं कर सकते, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो कम ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं शेयरिंग वगैरह के लिए, और लास्ट वालों के पास इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है लेकिन वो पेड हो गए, इसलिए फिर दोबारा से मेरे पास जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है उनकी संख्या फिर से कम है, फिर से वो लोग क्या है तो शेयरिंग वगैरह के लिए ऑर्बिटल्स कम अवेलेबल है, मैं आंसर लिखवाता हूँ तरीके से, चिंता मत करो, लेकिन लॉजिक पकड़ में आ रहा है। अच्छा बीच वालों का क्या सिस्टम है, बीच वालों के पास है मैग्नीज जैसे 5 भाई 3d5, 1 2 3 4 5, पांचों ऑर्बिटल्स अवेलेबल है कि हम शेयरिंग कर रहे हैं, बोला है कि नहीं, तो ज्यादा हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे, दिखाएंगे प्लस 5 भी दिखा सकते हैं, अरे दिखा सकते हैं दिखा सकते हैं, अरे नहीं आ रहा समझ में सर, है ना। तो शुरू वालों में और लास्ट वालों में क्या प्रॉब्लम है, नहीं आया क्या समझ में। अब मैं इसका ना आंसर पढ़ के दिखाता हूँ एनसीईआरटी से, मैं एनसीईआरटी से आंसर पढ़ूंगा, सबकी नजरें ना मतलब कान बिल्कुल खुले रखना, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज सुन रही हूँ आप लोगों को, हाँ भाई सुनो, अपने दोस्त की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ मैं जो बोलूँ वो सुनना है, देखिए क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, 2-3 लाइन रिपीट करूंगा और आपको उसको सुनना है। द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज, वो एलिमेंट्स जो बड़ी से बड़ी स्टेट दिखाएंगे वो कहां पर लाई कर रहे हैं, बीच में या उसके दाएं बाएं लाई कर रहे हैं। अब इसका आंसर सुनो, जैसे मैग्नीज बोला, मैग्नीज फॉर एग्जांपल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7, जैसे मैग्नीज +2 से +7 तो सारे स्टेट दिखाता है। अब असली आंसर सुनिए क्या है, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड, क्या बोला उसने, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स स्टेम्स फ्रॉम आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर, Either too few electrons, TOO वाला है, too few electrons to lose or share, या तो उनके पास बहुत कम electrons है lose और share करने के लिए, जैसे कौन सा, scandium और titanium, or too many d electrons, और bracket में लिखते हैं hence fewer orbitals available in which to share electrons with other for higher valence copper or zinc, उसने क्या बोला, या तो बहुत कम electrons हैं जैसे scandium और titanium, या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से फिर कुछ कम ऑर्बिटल बचे हैं शेयरिंग करने के लिए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन से सारे पेयर्ड हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पेयर हो गए, प्रॉब्लम क्या है, कम भी नहीं होने चाहिए, कम हुए तब भी मेरे पास अवेलेबिलिटी कम ऑर्बिटल्स की शेयरिंग के लिए, और ज्यादा हुए तब भी मेरे पास अवेलेबिलिटी कम है ऑर्बिटल्स की शेयरिंग करने के लिए, इस कारण से इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट्स होते हैं वो क्या दिखती है, बड़ो कम दिखती है। क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसके लिए एक बार बोर्ड पे ना पूरा आंसर लिखता हूँ और आप लोग ना ध्यान से इनको देखेंगे भाई, कोई बच्चा ना पहले बोल रहा हूँ बातों में मत लग जाना, यहां पर मैंने कुछ आंसर लिख रहा हूं ध्यान से इसको पढ़ो, मैंने लिखा था द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बिल्कुल मेरे को शोर नहीं चाहिए क्लास में, पहले बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एट द एक्सट्रीम, एट द एक्सट्रीम एंड्स स्टेम्स मतलब रिजल्ट्स भी बोल सकते हो, फ्रॉम आइदर टू, पढ़ो जरा ध्यान से शब्दों को पढ़ो भाई, फ्रॉम आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर, बताओ ऐसी बात किसके लिए कर सकता है, ये ऐसी बात किसके लिए कर सकता है, टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर, बहुत कम इलेक्ट्रॉन से लूज और शेयर, तो बोलेंगे सर स्कैंडियम के लिए बात कर सकता है और ऐसी टाइटेनियम के लिए कर सकता है, और टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी बात किसके लिए कर सकता है,
और बोलो भाई ऐसी बात किसके लिए कर सकते हैं? बहुत अच्छे, हैंस फ्यूअर ऑर्बिटल्स, हैंस फ्यूअर ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन विच टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर्स। एक बार सब बच्चे ना पढ़ो भाई, सब बच्चे इसको पढ़ो पढ़ो। स्टैम्स स्टैम्स, अरे मतलब रिजल्ट्स बोल सकते हो, थोड़ा और थोड़ा सिंपल शब्द बना सकते हो, थोड़ा मुश्किल शब्द डाला हुआ है बस और कुछ नहीं है, आप वैसे ही बोल सकते हो। जा भाई जा जा, why there is a very lesser number of options state possible। और इसी का क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा तो इन्होंने क्लास, ये क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है? जिंकी बोलते हैं भाई, भाई सुनो भाई, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर बोलो सेम बनेगा नहीं बनेगा, बोलो जरा दोनों क्वेश्चंस का आंसर। अरे भाई प्लीज पीछे अनुराग, दोनों क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर पढ़ो। देखो मैं आपको डी ब्लॉक ना जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, आप ऐसे नहीं प्रिपेयर करें, थियोरेटिकली आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में प्रिपेयर करिए। हम क्वेश्चन बना रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन याद कर लो खत्म, टॉपिक हो गया। पेपर में क्वेश्चन ही आएगा, ध्यान रखना, टॉपिक इस तरीके से कभी नहीं पूछना, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। तो टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन की फॉर्मेट में याद करो, मैंने बोला था लास्ट तक कितने क्वेश्चन बनाएंगे, 15 से 20, कितने बने कुल मिला के बताऊं, 3, 4, 5, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बने अब तक, सातवां मान लो तरीके से, ऐसे ही बनाने 20 तक, फिर तुम्हें सारा कुछ याद हो जाएगा चैप्टर, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो दोनों का आंसर सही समझ में आ रहे हैं? अच्छा एनसीईआरटी ने इसको ऐसे ही पूछा, बताना फिर क्या आंसर करोगे। बोलता है कि व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एंड एलिमेंट्स लाइक निकल कॉपर जिंक, मतलब इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है बहुत कम क्यों शो हो रही है, एंड वालों की कम क्यों शो हो रही है? सिर्फ एंड वाले का पूछेगा तो बोलो क्या बोलोगे, सिर्फ एंड वालों का पूछेगा तो क्या बोलोगे, निकल, सिर्फ निकल कॉपर जिंक की स्टेट्स बहुत कम क्यों शो होती है ऐसा, तो बोलोगे सिंस दे हैव वेरी, दे हैव टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके पास बोलो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, एंड हैंस फ्यूअर ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन विच टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर, इसलिए इनके पास बहुत कम ऑर्बिटल्स होते हैं जो दूसरों के साथ बोलो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। समझ नहीं आ रहा सर, पक्की बात है? शुरुआत वालों के पास बोलो क्या बोला, ए शुरुआत वालों के पास टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर, और बाद वालों के पास टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स, और टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स होने से भी उनके पास शेयरिंग करने के लिए कम बचे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? आपकी बुकलेट में मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, पढ़ लो। पहला देखो क्वेश्चन क्या दिया हो मैंने, जो मैं बोल रहा था, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन स्टेट ग्रेटर देन टू फॉर द कॉपर निकल जिंक लाइक एलिमेंट्स, क्यों ऐसा है कि कॉपर जिंक और निकल जैसे एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीजन स्टेट 2 या 3 से ऊपर मिलना बड़ा मुश्किल है? सेम रीजन है ना। नेक्स्ट क्या था, व्हाई देयर इज अ लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल फॉर द एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स, सेम आंसर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रोवर्सी
चलो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, आ जाओ क्लास प्लीज। यार देखो दो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट करके जाओ ना हर क्लास से। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो, ऑक्सीजन स्टेट से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अच्छा अगर आपको लग रहा है ना बीच में एक क्वेश्चन छुड़वा दिया वाला, वो जो मैग्नीज वाला उसमें एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, कराऊंगा सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बट एक तरीके से चलने दो। लखन इधर देख लिया। चलो अब अगली बात क्या है, आप लोग देखिएगा जरा, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बताता हूँ, एक मॉलिक्यूल बताता हूँ, आप मुझे ऑक्सीजन स्टेट बताना, जरा बताना क्रोमियम की इसमें कितनी ऑक्सीजन स्टेट थी, Cr2O7 2-, MnO4-, बताना भाई, बोलो भाई। 37 में प्लस 60, इसमें प्लस, यही था प्लस 6 और प्लस 7। और सुनो, और सुनो, बात करते हैं कि अगर मैग्नीज का फ्लोरीन के साथ बनता है तो एक MnF4 बनता है, बल्कि आई थिंक MnF4- है। क्लास देखो यार इस तरीके से तुम्हें पढ़ने हैं तो रहने दो, बीच बीच में डिस्कशन मत करो कुछ भी, बहुत बार बोल चुका हूँ, आप पछताओगे लास्ट में। लास्ट में आप लोगों को रियलाइज होगा कि भाई पता नहीं कहाँ हमने गलती करी है, आपको बता देगा रोज गलतियां कर रहे थे, जो ये मस्ती कर रहे हो क्लास में बैठे बैठे ये जरूरी नहीं है, बाहर जाके कर लो बहुत टाइम होता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है, और अभी मान लो मैग्नीज का ये बन रहा है और क्रोमियम का कोई कंपाउंड अगर हम बनाते हैं, चलो क्रोमियम का फ्लोरिन का कोई एग्जिस्टिंग कंपाउंड तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात समझते हैं, कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो सबसे बड़ी स्टेट है, अनुराग जैसे क्रोमियम की सबसे बड़ी स्टेट बोलो कौन सी है, प्लस 6 है, मैग्नीज की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है बोलो, प्लस 7 है। कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपनी सबसे बड़ी स्टेट जो दिखा रहा था ना, वो या तो फ्लोरिन के साथ दिखा रहा था या ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा था। मेरी बात को सुनने की कोशिश करना अच्छे से, कहते हैं कि वाई द एलिमेंट शोज देयर हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विद द फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन। क्यों ऐसा है कि जो भी एलिमेंट अपनी सबसे बड़ी स्टेट दिखा रहा है, जैसे मैग्नीज अपना प्लस 7 दिखा रहा है, तो वो किसके साथ दिखा रहा है, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ? देखो आपको दिखता है ऑक्सीजन के साथ दिखाता है। क्रोमियम की सबसे बड़ी स्टेट देखो कौन सी थी बोलो, प्लस 6, देखो प्लस 6 थी, किसके साथ दिखा रहा है बोलो, ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा है, देख लो ना जरा। अरे नहीं आ रही बात समझ में? ओ भैया तुमने और भी तो पढ़े हैं, MnO4 2- भी पढ़ा है, बोलो इसमें कितना आता है, x -8 बराबर में -2, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 6। तो मैग्नीज अपनी बड़ी से बड़ी स्टेट जो दिखाता है जनरली किसके साथ दिखाता है बोलो, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। सेम फॉर द क्रोमियम, मतलब सभी एलिमेंट्स अपनी बड़ी से बड़ी स्टेट किसके साथ शो करते हैं, फ्लोरीन या फिर बोलो क्या, ऑक्सीजन। कौन बच्चा बताएगा कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ इनके साथ ही शो करते हैं? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, एक तो बढ़िया चीज ऐड कर दी, और दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट तो आ गया, और कोई पॉइंट? क्यों ऐसा है कि एलिमेंट्स की सबसे बड़ी स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही दिखती है, देखने को मिलती है? देखिए मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों से समझता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास ना Mn, देखो ध्यान दो, MnF6 है मेरे पास। अब MnF6 में मैग्नीज मिलेगा प्लस 6, और यही Mn अगर बच्चों Br6 हो तो एक प्रॉब्लम आएगा, बन तो जाएगा प्लस 6 क्योंकि ब्रोमीन भी वही करेंसी शो करता है जो फ्लोरीन शो करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि मैग्नीज के चारों तरफ ना फ्लोरीन को सराउंड करना आसान है, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो कैसा है बोलो, छोटा है, और अगर साइज छोटा है तो ज्यादा एलिमेंट्स उसको बोलो क्या कर सकते हैं बोलो, सराउंड कर सकते हैं। प्रेरणा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, तो मैग्नीज के पास 6 फ्लोरीन लगे तो इजीली लग सकते हैं, बट यहीं पर अगर ब्रोमीन लगाओगे ना तो 6 ब्रोमीन लगाने मुश्किल है भाई। क्यों लगाने मुश्किल है? क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, और ज्यादा बड़ा साइज होने से 6 ब्रोमीन को सराउंड कर पाना क्या है, मुश्किल है। अनुराग क्या होगा इसका, किसने मार दिया इसको? कुछ ना कुछ तुम लोगों की हरकत चल रही है पीछे, वो गुद्दी पकड़ के बैठा हुआ अपनी, ऐसी बैठा हुआ है। देख लो तुम लोग बिल्कुल ऐसे हो, कितना ही तुम लोगों को समझा लो तुम लोग वैसे के वैसे ही रहते हो। देखो भाई ये क्लास, देखो भाई ऐसे मत करो, इस तरीके से नहीं हो पाएंगे चीजें। मैंने बोला है तुम लोगों को थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल नहीं है, जो मैं तुम्हें फॉर्मुला बताऊं कर लो, तुम लोग सारी बातें सुनोगे तो तुम्हें आएगा चैप्टर समझ में, नहीं तो नहीं आएगा।
ऐसे नहीं होती पढ़ाई डी ब्लॉक की, इनऑर्गेनिक चैप्टर ऐसे नहीं, तो ज्यादा ऐसे करना है तो मैं चैप्टर को क्लोज करता हूँ, मैं नया चैप्टर शुरू कराता हूँ जो मेरे मन का है भाई, मेरे मन का ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड कीटोन है, मैं उसको शुरू करा देता हूँ, करते रहना बातें और साथ ही साथ होता भी रहेगा। ये मस्ती के साथ ये चैप्टर होता ही नहीं है, मैंने चैप्टर स्टार्ट हुआ तब भी बोला था डी ब्लॉक में मस्ती मत करना बिल्कुल भी, ये चैप्टर नहीं है मस्ती करने वाला, सब कुछ थियोरेटिकल है, ध्यान से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा। और टीचर्स रटने को बोल देते हैं इस चैप्टर को, कोई नहीं समझाता इस चैप्टर की क्या रीजन है कि भाई ऑक्सीजन स्टेट्स में लेसर है हायर है, भैया याद करना है आंसर, क्या लॉजिक है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, यहाँ पर हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, जो तुम्हें समझा रहा होता है तुम सुनते नहीं हो, कोई नहीं समझा रहा होता है, रटने को बोलते कहते पढ़ाता नहीं टीचर अच्छे से, दोनों तक तुम्हें बदमाश हो बिल्कुल। अब मैंने ये बोला है कि किसी भी एलिमेंट की स्टेट फ्लोरिन और ऑक्सीजन के साथ ही बड़ी क्यों दिखती है, देखिए कारण ये है कि फ्लोरिन और ऑक्सीजन ना साइज में छोटे हैं, और साइज में छोटे हैं तो किसी भी सेंट्रल एटम को बेटर सराउंड करेंगे, जैसे मुझे तुम बताओ मैग्नीज को अगर प्लस 7 दिखाना है तो कितने फ्लोरिन का लगना जरूरी है, 7, कितने फ्लोरिन का लगना जरूरी है, 7 फ्लोरिन लगेंगे, 7 फ्लोरिन लगेंगे तभी तो जाके वो प्लस 7 दिखा पाएगा, और 7 फ्लोरिन अगर किसी के चारों तरफ सराउंड करने हैं तो जो साइड एटम होने चाहिए उनका साइज कैसा होना चाहिए, छोटा। अरे सोचो कि अगर साइज बड़ा हुआ तो वो नहीं कर पाएगा सराउंड। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम लोगों को पता नहीं होगी ये बात क्योंकि तुम पी ब्लॉक चैप्टर नहीं पढ़ते हो, एक्चुअली में कहते हैं कि आयोडीन का ना फ्लोरिन के साथ एक बॉन्ड बनता है, IF7 कंपाउंड बनता है, लेकिन जब आयोडीन यही चीज बनाने की कोशिश करता है ब्रोमीन के साथ तो 7 कभी नहीं बना पाता, बस 5 ही बना पाता है, और जब बनाने की कोशिश करता है किसके साथ बोलो, क्लोरीन के साथ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्लोरीन के साथ बना पाता है 5 और ब्रोमीन के साथ सिर्फ 3 ही बना पाता है। कारण क्या है सर, क्यों वो आयोडीन के चारों तरफ सराउंडिंग में 7 फ्लोरिन तो लग सकते हैं बट 7 ब्रोमीन या 7 क्लोरीन नहीं लग पा रहे, क्योंकि सर फ्लोरिन के साइज बोलो कैसे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं तो वो क्या करता है बैटर
सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई, क्लास प्लीज भाई करते रहो, पेपर में भी बहुत टाइम मिला है इसको करने के लिए। सुनो क्लास, चलो आज की क्वेश्चन पर रिपीट कर रहा हूँ मैं। शुरुआत हुई थी आज इस बात से कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था ऑप्शन स्टेट। सब बच्चों को सबसे पहले याद होना चाहिए कि पूरी 3D सीरीज में किन एलिमेंट्स की कौन सी वाली स्टेट सबसे स्टेबल होती है। स्कैंडियम की +3, टाइटेनियम +4, वैनेडियम +5, क्रोमियम +6 एंड +3, वाई +3, टीटो जी आर्फेट सर क्वेश्चन है वो भी ध्यान रखना, मैग्नीज का +2 +7 एंड बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक का आप लोग आइडिया लगा सकते हैं थोड़ी स्टेट से। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट जो +2 +7 दोनों दिखा रहा है, सर मैग्नीज है, कौन सा ऐसा जो सिर्फ +3 दिखा रहा है, स्कैंडियम है, सर नहीं आ रही बात हमने पक्की बात है, कौन सा ऐसा जो सिर्फ +2 दिखाता है, जिंक है भैया, ठीक है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं वन मार्क क्वेश्चन, ध्यान रखना इसे। देखते हैं क्वेश्चन कैटेगरी, सेकंड क्वेश्चन कैटेगरी बोला आपकी क्या है, वो बोलता है कि क्यों ऐसा है कि हमारी पूरी सीरीज के अंदर जो एक्सट्रीम एंड पे एलिमेंट्स हैं उन्हीं की ऑक्सीजन स्टेट बहुत कम संख्या में देखने को मिलती है। तो आप लोग बोलेंगे कि या तो इनके पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम लूज और गेन करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन है इससे कम स्टेट्स है, या फिर बहुत ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से पेयरिंग हो गई है और हमारे पास अब फिर से बहुत कम ऑर्बिटल्स है शेयरिंग करने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, क्या लिखोगे आंसर हर्ष? या तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के लिए, या बहुत ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग हो गई है और फिर भी कमी है। सर है दोनों केसेस में कमी, लेकिन एक केस में इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से कम है और एक में ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग हो गई है उसकी वजह से कम है। कुछ समझ नहीं पा रहे सर? तो मैंने जैसा लिखवाया है, बिल्कुल वैसा ही लिख के आना, अपनी तरफ से कम ज्यादा मत करना, कुछ का कुछ लिखवाओगे टीचर को समझ नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे, समझ में आ रहा है? बिल्कुल यही लाइनें होनी चाहिए, इसलिए बुक मांग के मैंने लिखवाई आपको कि एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखेंगे हम, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड स्टेम्स फ्रॉम द आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स लूज और शेयर बाय द स्कैंडियम एंड टाइटेनियम और टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स, टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन, हेंस फ्यूअर ऑर्बिटल अवेलेबल इन व्हिच टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर फॉर द हायर एटम्स लाइक कॉपर एंड जिंक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आप क्या बोलोगे, समझ में आ गया क्वेश्चन? पहला कि ऑक्सीजन स्टेट याद करोगे, सेकंड बोलो क्या ये एंड वालों एलिमेंट्स की भैया ऐसा क्यों होता है कि स्टेट्स बड़ी कम शो होती है, ये क्वेश्चन उल्टा भी कर सकते हैं मिडिल वालों की ज्यादा क्यों होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? दोनों में आंसर सेम कर सकते हैं आप लोग। और फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि किसी भी एलिमेंट की जो बड़ी से बड़ी स्टेट है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही स्टेबल क्यों होती है, तो आप बोलेंगे सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है और इनका साइज भी छोटा होता है तो बहुत बढ़िया बैटर सराउंड करते हैं और इस वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं अपनी बड़ी स्टेट्स होते हैं वो इनके साथ दिखाते हैं, लेकिन फिर ऑक्सीजन के साथ और भी बड़ी दिखती है, जैसे ऑक्सीजन के साथ दिखती है +7 तो फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम दिखती है +4, ऐसा क्यों भाई? तो कहेंगे सर ऑक्सीजन कैन एबल टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो वो 3 या 4 भी लगेगा तब भी बहुत ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीज की +6 दिखाने के लिए फ्लोरीन को लगने पड़ेंगे 6, ऑक्सीजन लगेंगे मात्र कितने, बोलो 3, अरे नहीं आए बात, तो ज्यादा बढ़िया कौन है बोलो? ऑक्सीजन, सिंस ऑक्सीजन हैज द एबिलिटी टू मेक अ मल्टीपल बॉन्ड्स इट कैन बेटर स्टेबलाइज अ हायर ऑक्सीजन स्टेट एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन। सो ये सब अगर बातें आप लोग बिल्कुल टिप्स पे याद होगी ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ डी ब्लॉक से एक क्वेश्चन अभी सिर्फ स्कूल की बात नहीं बोर्ड एग्जाम तक बाहर से नहीं आ सकता, जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल सटीक लाइन में लिखनी है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? क्लियर सब बच्चों को? दूसरा जितने भी बच्चों की भैया फीस जो है फीस सबमिट कराएं आप लोगों की, जितनी भी जिसकी भी किसी की भी है नाम भी लिस्ट भेजी थी लेकिन फीस सबमिट नहीं हुई है, क्योंकि मैम मुझे बोल रही थी कि सर बहुत ज़्यादा लिस्ट में नाम आ रहे हैं जिनकी ड्यू है, तो जो भी ड्यू है अपनी नेक्स्ट क्लास तक फीस क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट क्लास से मैम आएंगी क्लास के अंदर, ठीक है जाओ।